सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पोकेमॉन थंडर में। तो गाइस, फाइनली ग्रेन निंजा रिटर्न आ चुका है पोकेमॉन जर्नीस के 108 एपिसोड में। और सच में एपिसोड बहुत ही कमल का था, इसलिए आज की इस वीडियो में इस एपिसोड का रिव्यू करने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप सबको बहुत मजा आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि शुरू में टीवी पर बताया होता है ऐश और रायहान के बीच बैटल होने वाला है, और इसलिए ऐश अपने गलार पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और ट्रेनिंग के बाद सब पोकेमॉन खाना खाने लग जाता है। फिर लुकारियो सिंड्रेस के साथ एक फ्रेंडली बैटल करता है, और ये देख के गोका फ्रोकी ईवी के साथ बैटल करता है। और इस बैटल में गोका फ्रोकी बार हो जाते हैं फ्रोगेडियर में, और ऐश को गोका फ्रोकी देख कर याद आता है अपने ग्रेनजा का। और ऐश लुकारियो को बता रहा होता है कि ग्रेनजा बहुत ही स्ट्रांग पोकेमॉन है, ग्रेनजा के साथ लुकारियो को ट्रेनिंग करना चाहिए। और इसलिए ऐश और लुकारियो और गो चले जाते हैं कैलोस रीजन में। और कैलोस रीजन में जाने के बाद ऐश ग्रेनजा को बहुत ढूंढते हैं बट नहीं मिलता। और ग्रेनजा को ढूंढते होते रात भी हो जाता है, इसीलिए नाइट कैंप लगा लेता है। और उसके बाद ऐश गो को बता रहा होता है कि ग्रेनजा कितने स्ट्रांग पोकेमॉन है, ग्रेनजा के साथ वो कैसे मिला फ्रोकी के फॉर्म में, और ग्रेनजा कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, और ग्रेनजा के और कैलोस लीग में फाइनल में एक एलन के साथ ऐश और ग्रेनजा बैटल किया था, ये सब ऐश गो को बता रहा होता है। और तभी ऐश और लुकारियो ग्रेनजा को सेंस कर लेते हैं, और लुकारियो कैंप से बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही बाहर जाते हैं बहुत सारे डार्क रूट लुकारियो के ऊपर हमला कर देते हैं, और यहाँ पे एंट्री होता है ग्रेनजा का। और ग्रेनजा आते ही डार्क रूट को काट देते हैं, और लुकारियो ये देख के समझ जाते हैं कि ग्रेनजा कितना स्ट्रांग है। और फिर ऐश ग्रेनजा को बोलते हैं लुकारियो के साथ एक बैटल करने के लिए, और ग्रेनजा मान जाता है। और उसके बाद लुकारियो और ग्रेनजा के बीच एक कमल के बैटल देखने को मिलते हैं, जिसमें लुकारियो बहुत बुरी तरह से हार जाता है, और लुकारियो नाराज होकर वहीं से चले जाते हैं। और ग्रेनजा भी लुकारियो के पास चले जाते हैं और बता रहा होता है कि ऑरा पावर को कैसे सेंस कर सकते हैं। और इधर ऐश और गो बात कर रहा होता है, और पीछे से एक डाकू हमला कर ही रहा होता है। तभी ग्रेनजा और लुकारियो सेंस कर लेते हैं और जल्दी से चले आ जाते हैं। और ग्रेनजा बड़ा से एक वाटर सुरिकेन बनाते हैं, और लुकारियो यहाँ पे मेगा इवॉल्व हो जाते हैं और बड़ा सा ऑरा स्फीयर बनाता है और डाकू को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद ऐश और ग्रेनजा कुछ बात कर रहे थे और ग्रेनजा चले जाते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और एंड में हमको देखने को मिलता है रायहान भी अपने पोकेमॉन से बैटल कर रहे होते उसके जिम में। तो अब देखना है कि ऐश वर्सेस रायहान बैटल में कौन जीतता है। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। तो फिर दोबारा मिलेंगे ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। एंडिंग टाइम, पीस आउट।